आपकी वो जीमेल। ओके अब विजिबल है यस मैम, नाउ। नाउ इट्स विजिबल। ओके सो दिस इज द चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन हैज अ हिस्ट्री दैट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज एंड श्रब्स एंड हर्ब्स एंड एनिमल्स इनटू दोज व्हिच हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड द अदर व्हिच डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स एज एनीमा एंड एनीमा। Then classification history also has the name of Linnaeus, who has classified living world into two kingdom, plants and animals, and the system was used recently. And the system is classifying the organisms, but the major drawback was unicellular organism and multicellular organism were totally kept in single plants. And so was the case in animal also. Unicellular animal and multicellular animals was whole coming into single animal kingdom. So this is a very problematic, we can say, point. Then five kingdom classification did a very good job. It was proposed by R. H. Whittaker, and on the basis of cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. He classified five kingdoms of the life. Then all prokaryotic organism he grouped into the kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organism were made a new kingdom under a new kingdom called Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella within from plants and having cell walls and with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in animal kingdom which lacks cell wall. So Protista we can say is a very diverse kingdom. बहुत डाइवर्स किंगडम है प्रोटिस्टा, क्योंकि उसमें कुछ एनिमल जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंगस जैसे भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं। प्रोटिस्टा बहुत वेरिड है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड को यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल में बांटा है। देन एक एक करके इनको डिस्क्राइब किया गया है। मोनेरा के चार शेप्स हैं, जो गोल होते हैं उन्हें कोकाई, जो लंबे रॉड शेप होते हैं उन्हें बेसिलाई बोलते हैं, जो स्पाइरल होते हैं उन्हें स्पाइरला, जो कॉमस शेप होते हैं विब्रियो। आर्की बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हार्श एनवायरमेंट में मिलते हैं, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर्स में, उन फीचर्स उनको एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एबल बनाते हैं। मिथेनोजेंस गट ऑफ सेवरल एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, काओ बफेलोज में मिलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। एंड देन यू बैक्टीरिया की बात अगर करें तो ये साइनो बैक्टीरिया है और ये ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं। साइनो बैक्टीरियाज के पास एक स्पेशलाइज सेल्स है हेट्रोसिस नाम का, जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है फ्रॉम द एटमोसफेयर। एंड जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं वो काफ़ी तरह से ह्यूमन के यूज में आ सकते हैं, जैसे कुछ सम आर यूजफुल इन डेयरी इंडस्ट्री फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, सम आर हेल्पफुल इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स लाइक एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरियाज, सम आर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन रूट लेग्यूम्स लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। बट फ्यू आर हार्मफुल पॉइंट्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल, बिकॉज दे ऑल्सो कॉज सम डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, दे कॉज सम प्लांट एंड एनिमल डिजीज। देन दे जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बट दे कैन प्रोड्यूस स्पोर्स एज वेल एज दे कैन डू कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवाइडिंग बैक्टीरियम है, इट इज डूइंग बाइनरी फिशन, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में पॉइंट लिखा है कि इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर पैथोजेनिक एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ये एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। एंड प्रोटिस्टा पे हम जब आए हमने देखा सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, एंड प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक है। ये एक लिंक बनाते हैं दूसरे सारे किंगडम्स में, प्लांट्स, एनिमल और फंगी में। एंड ये यूकैरियोट हैं, प्रोटिस्टन सेल बॉडी है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एंड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्ट एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
सेल फ्यूजन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, जाइनोफ्लैजेलेट, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, यूटिलिनॉइड्स में बांटा गया। क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनको डायटम्स भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गे बोलते हैं, एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, एंड ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। इनके अंदर सिलिका के शेल्स की सेल वॉल होती है, एंड बिकॉज इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स नाम के, तो देयरफॉर दे आर येलोइश इन कलर, बिकॉज कैरोटीन पिगमेंट इज येलोइश एंड कैरेट, जैसे कैरेट होती हैं, ठीक है, गाजर होती हैं लाल, और तो जो विलायती गाजर होती हैं थोड़ी सी ऑरेंज और येलो में होती हैं, और जो देसी गाजर हैं वो ज़्यादा लाल होती हैं, तो उनमें कैरोटीन पिगमेंट मिलती है, ठीक है। ऐसे ही वो पिगमेंट यहाँ क्राइसोफाइट्स में भी मिलता है, डायटम्स में भी मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स की अगर बात करें तो उसमें आपको रेड टाइड्स मेन याद रखना होता है कि एक ऐसा तरह का डाइनोफ्लैजेलेट है जिसके अंदर दो फ्लैजेला, ऐसे प्रोटीज जिनमें दो फ्लैजेला है, तभी नाम उनका डाइनोफ्लैजेलेट्स बोला है, मतलब इनमें दो फ्लैजेलास हैं। एंड द सेल वॉल इज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्लेट्स हैं, एंड इनके अंदर भी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड पिगमेंट हो सकते हैं, जो भी इनमें पिगमेंट है उसके बेसिस पे इनका कलर होगा। तो अगर रेड कलर वाले पिगमेंट वाला कोई डाइनोफ्लैजेलेट, रेड डाइनोफ्लैजेलेट, जैसा कि एग्जांपल लिख रहा है गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स नाम का जो डाइनोफ्लैजेलेट है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करे तो सी पे पूरा एक लेयर बना देता है रेड कलर की, इट मेक्स अ कंप्लीट रेड लेयर विच इज रेड टाइड्स। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर, और अगर ये ज्यादा ग्रो होता है वो ग्रो, तो ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करता है जो शेलफिश पॉइजनिंग करता है। शेलफिश मतलब शेल वाली फिशेज, यानी श्रिम्स, प्रॉन्स, क्रस्टेशियंस, जो ऐसी वाली कटल फिशेज, तो इस तरह की जो फिशेज होती हैं उनमें पॉइजनिंग करता है ये टॉक्सिन, ठीक है, उनको मार देता है। हाँ, यूग्लिनॉइड्स की अगर बात करें तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, it is a connecting link and it is found in fresh water, stagnant water, instead of cell wall, iske paas ek protein ki layer hai called pellicle which makes their body flexible, and ye photosynthetic hai light ke presence mein, but ye jab light nahi hoti to they become heterotroph, so therefore they have a mixotrophy, matlab inke andar dono tarah ke nutrition hote hain, to hum ye interlink hua plant aur animals ke beech ka, yes it is a link between plants and animals, aise kehte hain, ठीक है। सो नाउ स्लाइड इज विजिबल टू यू, यस मैम। सो यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर एंड वी वर स्टडिंग अबाउट देम, एंड दे आर they can be autotrophic in the presence of light and heterotrophic predating on other small organisms when there is absence of light. An example is Eulina. Then protozoans are the another members. Protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. Protozoans heterotroph hote hain aur ye predator aur parasite ki tarah rehte hain. They are believed to be more primitive relatives of animal. Ye animal kingdom se ज़्यादा रिलेट करते हैं, और ये एनिमल्स के प्रिमिटिव एनिमल्स हम इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहले जब एनिमल्स बने तो प्रोटोजोआ की फॉर्म में ही बने। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस, चार मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोआंस के, अमीबोइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन ऑन द बेसिस ऑफ उनका कैरेक्टर क्या है। अमीबा जैसी शेप है, अमीबा की तरह उनके जो बॉडी है उसका साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है, स्ट्रीम मतलब उस साइटोप्लाज्म फ्रीली फ्लोज, एंड जेली लाइक साइटोप्लाज्म कैन एक्सटेंड द सेल मेम्ब्रेन टू मेक प्रोजेक्शंस। तो इस तरह के फीचर अगर किसी प्रोटोजोअन में होंगे जो इरेगुलर शेप के होंगे, एंड दे मूव बाय एंड कैप्चर द प्रे बाय स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो अपने प्रे को कैप्चर करेंगे, मूव करेंगे उनके थ्रू, तो ऐसे प्रोटोजोआस को एमीबॉइड प्रोटोजोआंस कहते हैं। देन इसका एग्जाम्पल दे रखा है, सम ऑफ देम आर एंटमीबा और पैरासाइट्स, एंटमीबा और सिंपल अमीबा भी, और एंटमीबा एक और कैटेगरी अमीबा की, जो सिंपल अमीबा तो नॉर्मल फ्रेश वाटर में रहता है, फ्री लिविंग है, अपने से छोटे बैक्टीरियाज को खा के अपना पेट भरेगा, बट एंटमीबा नाम का प्रोटोजोआन जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज से ही कॉज कर होता है, फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न, प्लस इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करता है,
और ये अमीबिक डिसेंट्री का रीजन है, अमीबा से होने वाली डिसेंट्री, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा डेडली डिसेंट्री है, उसमें ब्लड भी निकलता है स्टूल्स में, और बच्चों को अगर हो जाए तो इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. एंट अमीबा इज एक्टिंग एज अ पैरासाइट. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो ये मेंबर्स फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइटिक होंगे, एंड दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला भी होते हैं फॉर मूवमेंट. तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जितने भी मेंबर आएंगे उसमें, वो उसमें सब में फ्लैजिला होंगे मूवमेंट के लिए, दे हैव फ्लैजिला. एंड द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और जो पैरासाइट वाले अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन तो वो बीमारी करेंगे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हो पर्पलिश कलर का एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजिला है, और वो स्लीपिंग सिकनेस करता है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नम कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तक पहुंच जाता है, तो कुछ इसके इंसोमिया बोलते हैं ना, इंसोमिया, स्लीपिंग सिकनेस को, स्लीपिंग सिकनेस को इंसोमिया भी कहते हैं. और इसमें पर्सन का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा ज्यादा टाइम तक स्लीपिंग में रहता है वो, तो ट्राइपैनोसोम इज कॉजिंग दैट प्रॉब्लम. एंड इट इज स्प्रेड बाय फ्लाई, ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय अ फ्लाई वेक्टर, जैसे हर कोई प्रोटोजोआ अलग अलग वेक्टर से फ्लाई फैलता है, ये भी एक फ्लाई से फैलता है, सीसी फ्लाई से फैलता है ये. देन टी इसमें साइलेंट होता है, टीएससी. एंड सीलिएटेड प्रोटोजोआन, सीलिएटेड प्रोटोजोआन में मेंबर के जो भी मेंबर होगा सीलिएटेड प्रोटोजोआन का, उसके मेंबर के आउटर एरिया में टाइनी टाइनी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको कहेंगे सीलिया. हमने नाइन्थ में पढ़ा था आते यार डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथीलियम, उसमें हमने पढ़ा था ना सीलिएटेड एपिथीलियम, कुछ ऐसे एपिथीलियम होते हैं एपिथीलियल टिश्यूज में जिनके बाहर फिंगर बहुत ही ज्यादा फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें सीलिया कहते हैं, ये भी सीलिया है. पैरामीशियम में भी चारों तरफ क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, वो अपने सीलिया से मूव करते हैं. सीलिएटेड प्रोटोजोआन और एक्वेटिक प्रोटोजोआन एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ सीलिया, दे हैव अ कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस. इनके पास एक गुलेट होता है जो बाहर की तरफ खुला हुआ होता है, और वहां से इनका फूड आता है, फूड एंट्री सोर्स होता है गुलेट, इनका माउथ भी कह सकते हैं, गुलेट इनका फूड एंट्री सोर्स, ओरल ग्रूव से माउथ, मतलब ओरल ग्रूव अगर समझ लो, वहां से फूड आएगा गुलेट में जाएगा. एंड देन एग्जाम्पल पैरामीशियम है, देन स्पोरोजोन्स है, ठीक है, स्पोरोजोन्स हैं, तो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स that have an infectious spore-like stage in their cell life cycle. Sporozoans के अंदर spore-producing stage infectious stage होती है. इसमें example है mainly plasmodium है जो malaria cause करता है. Plasmodium आपका protozoa का नाम है. Plasmodium में आपने 10th में पढ़ा है कि it is causing what? It is causing the malaria and it has a cyst. ये पढ़ा था हमने कि इसके पास एक tough covering होती है cyst. NCERT का image आई है. और उसके अंदर छोटे छोटे से ये न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है, मल्टीपल फिजन. क्या एग्जांपल था ये, किसका एग्जांपल था प्लाज्मोडियम? मल्टीपल फिजन का था, अमीबा बाइनरी फिजन का, और प्लाज्मोडियम क्या है, मल्टीपल फिजन का, अंदर ही अंदर मैनी न्यूक्लियाइज बन जाते थे इसके. तो ये इसकी स्पोरोजोन की ये खास बात है कि इट विल बी डिवाइडिंग बाय मल्टीपल फिजन, हैविंग अ टफ आउटर कवरिंग सिस्ट, एंड इनसाइड इट विल बी प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियस, ठीक है. ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम आपको 10th में भी बताया था. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के जिसमें वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. किंगडम फंगी, इसको हम पढ़ रहे थे कि दीज आर द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर हेटरोट्रॉफिक दैट मोस्टली दैट आर सेप्रोफाइट्स. क्या हैं ये? सेप्रोफाइट्स हैं, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को. तीन मोड्स हो जाएंगे इनके, तीन हैबिटेट्स हो सकते हैं. एक तो ये डाइवर्स मॉर्फोलॉजी है इनकी, ये मेन पॉइंट है.
एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खाती हैं, बट क्योंकि ये अब्सॉर्ब हेटरोट्रॉफिक तो हैं, अब्सॉर्ब करती हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड, ये मेन है, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से करती हैं, तो इस वजह से सेप्रोफाइट्स बोला गया. हेटरोट्रॉफिक तो हैं बट किस तरह की हेटरोट्रॉफिक हैं, सेप्रोफाइटिक तरह की हेटरोट्रॉफिक हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द डेड मैटर फॉर देयर फूड. और अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाई जा रही हैं तो देन उसको पैरासाइटिक फंगी बोलेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पैरासाइटिक. ठीक है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे तो यहाँ नेक्स्ट वाला दे रखा है कि देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पैरासाइट. ठीक है, इट विल इट कैन ऑल्सो बी पैरासाइट अगर वो डिजीज कर रही हैं. और देन एक और चीज, तीन चार तरीके से ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो वही सब नाम बताएं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बोइंट्स. सिम्बोइंट्स में हमने देखा था कि ऑफ टू काइंड्स, लाइकेंस. ठीक है, लाइकेंस के फॉर्म में, लाइकेंस के फॉर्म में किसके साथ है, तो लाइकेंस में दे आर विद द एल्गी. लाइकेन में एक कंपोनेंट होता है एल्गे का कि वो क्या है, वो ग्रीन कंपोनेंट है, वो फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से. और दूसरा है फंगी का, फंगल पार्टनर क्या करेगा, फ्रेमवर्क देगा उसको और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा आसपास से. फंगल, क्योंकि फंगल फूड तो बना नहीं सकता, इट इज हेटरोट्रॉफ, एल्गे फूड बनाएगी, एल्गे फूड बना के इसको देगी और फंगस क्या करेगी, फंगस इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगी और ये दोनों साथ में रहेंगे सिम्बोएंट्स की तरह. सिम्बोएंट्स इसको, इस प्रोसेस को सिम्बोएंट्स, सिम्बोसिस भी कहते हैं. और इन ऑर्गेनिजम्स को जो सिम्बोसिस में रहते हैं उन्हें सिम्बोएंट्स कहते हैं. ठीक है, साथ में रहने वाले, साथ में लिविंग करने वाले और म्यूचुअल बेनिफिट देने वाले एक दूसरे को. देन माइकोराइजा भी एक और है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ये किसका है, दिस इज द विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. जब फंगी जड़ों में रहेगी, किसी भी पौधे के जड़ में अगर फंगी रहती है, ये अगर जड़ें हैं किसी भी प्लांट की और इसके अंदर अगर फंगस रहती है, फंगस के फिलामेंट्स रहते हैं नेटवर्क की तरह, पूरा इसने फंगस के फिलामेंट्स ने इसको इन जड़ों को नेटवर्क की तरह पूरा बिछा रखा है, जाल की तरह. ठीक है, तो वो वाला जो सब वो है कॉम्बिनेशन है रूट्स और फंगस का, उसे माइकोराइजा बोला जाता है. माइकोराइजा, ठीक है, ऐसे याद रखना है माइकोराइजा. ठीक है, तो ये दोनों चीजें फंगस के बारे में पता होनी चाहिए. देन आगे पढ़ेंगे हम स्पोर्स के बारे में दिया है, तो स्पोर्स भी याद होने चाहिए. एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, वेजिटेटिव मींस क्या है. तो वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग है. और एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, फंगस के कोनीडिया है और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स है. मैंने आपको बताया था जिस स्ट्रक्चर में फंगस के स्पोर्स होंगे उसी उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके स्पोर्स का नाम होगा. तो अगर फंगस के स्पोर्स, ये तो हाइफा होगा, दिस विल बी हाइफे. ठीक है, दिस इज हाइफे, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव बॉडी होती है ये हाइफे. बट एक रिप्रोडक्टिव बॉडी ऊपर बॉल जैसी बनती है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं फंगस के, पूरे भरे हुए होते हैं इसके अंदर टाइनी टाइनी स्पोर्स. और इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम. तो ये स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो यहाँ लिखे हैं. और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स का टाइप है. पर अगर ये किसी पेनिसिलिन नाम की फंगस, ये राइजोपस है, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाएगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज, जो जिस तरह की फंगस है वो वैसे स्पोर्स बनाती है. राइजोपस स्पीशीज स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाती है. पर पेनिसिलियम स्पीशीज क्या बनाती है, पेनिसिलियम का जो हाइफे होता है वो एक पेन जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक नेक जैसा बनाता है और उसके ऊपर पेन पेन जैसे स्टिक जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं. इन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं. और कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो स्पोर्स लगते हैं, ठीक है, कोनिडियोफोर्स के ऊपर, कोनिडियोफोर्स इनके स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे छोटे छोटे से चेन ऑफ स्पोर्स बनती है, चेन ऑफ स्पोर्स. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे चेन ऑफ स्पोर्स बनते हैं और उन्हें कोनिडिया बोला जाता है. क्या बोला जाता है, कोनिडिया. स्पोर्स का नाम कोनिडिया है.
दीज आर ऑल्सो वी कैन से एसेक्सुअल स्पोर्स, इन्हें कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, कोनिडिया, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर कोनिडिया, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, इट इज अ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। व्हाट इज रेंजियोस्पोर? इट इज ऑल्सो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स मतलब मियोसिस के बाद बने हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स मतलब माइटोसिस से बने हैं, हैप्लोइड फंगस में बने हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बने हैं तो मियोसिस के बाद बने होंगे। ये बहुत कंफर्म है कि अगर सेक्सुअल स्पोर होंगे तो दे विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, दे विल बी रिजल्ट ऑफ मियोसिस नेम डिविजन। वाई? बिकॉज मियोसिस में ही गैमेट्स बनाने की एबिलिटी है, मियोसिस ओनली कैन क्रिएट गैमेट्स, माइटोसिस कैन नॉट क्रिएट गैमेट्स, क्लियर? मियोसिस से बनेंगे और ये स्पोर्स कहलाते हैं, एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर जिनमें ये बनते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे। मैंने बताया था कि एस्कोस्पोर्स एस्कस नाम के स्ट्रक्चर में बनते हैं, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर में बनते हैं, बेसिडियम, और बेसिडियोस्पोर्स फोर होते हैं नंबर में, एंड एस्कोस्पोर्स एट होते हैं मियोसिस के बाद, बेसिडियम में बनते हैं और ये एस्कस में बनते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग फंगी की कैटेगरी हैं जो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाती हैं। कुछ कैटेगरी आपकी बनाएंगी एस्कस बनाएंगी और उसमें एस्कोस्पोर्स बनाएंगी, दूसरी कैटेगरीज नहीं बनाएंगी, दूसरी कैटेगरी दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएंगी और दूसरे वो बनाएंगे स्पोर्स। एक बार हम इसको एक बार गूगल इमेजेस से भी थोड़ा सा सर्च करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें कि हम हमेशा के लिए याद रहें, इस तरह से हमें देखना चाहिए। एस्कस क्रिकेट आ गया। एस्को जो एस्कस बनाती हैं उन्हें एस्को माइसिटीज कहते हैं, तो हम एस्को माइसिटीज के फिगर्स देखते हैं। एस्को माइसिटीज ठीक है, ये देखो ये एस्कस स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग फंगी के सैक फंगस। मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं है तो हम एस्कस के एस्को माइसिटीज को सर्च कर रहे थे, ठीक है, वी वर सर्चिंग द, कैन यू, आर यू एबल टू सी, दिस इज सैक फंगस, साइंटिफिक नेम एस्को माइकोटा, फाइलम एस्को माइकोटा, डिवीजन एस्को माइकोटा एंड सब डिवीजन डाइकारिया। और यहाँ पर ये वाली इमेज आपको क्लियर कर देगी मैं क्या बात कह रही हूँ। ये देखो मॉरल, ठीक है, मॉरल बनाया हुआ है मोल्ड के फॉर्म में, ये है यीस्ट के फॉर्म में है, एस्कोमाइसिटीज के ये मेंबर हैं, एक मॉरल नाम का मेंबर है, एक मोल्ड नाम का मेंबर है, एक यीस्ट नाम का मेंबर है, और एक कप फंगस है, फ्रूटिंग बॉडी इसकी कप की तरह एस्कस, ठीक है, एस्कोमाइस, देखो इसका कप की तरह स्ट्रक्चर होता है इस फंगस का, इसीलिए इसको एस्कोमाइकोटा बोला गया, एक्सोमाइसिटीज कहा गया, ठीक है। ये सब कप फंगस हैं जिनमें भी एस्कस नाम के स्ट्रक्चर बनते हैं, कप जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दीज ऑल आर एस्कोमाइसिटीज। अब अगर हम इनका वो देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो भी इनको ये भी हमें दिख जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे अभी हम इनका, देख अंदर, ये तो बाहर का ही स्ट्रक्चर है, इनका एक्सटर्नल फीचर है। ऐसे इनकी लाइफ साइकिल, अगर हम इनकी लाइफ साइकिल देखें तो इस तो और क्लियर हो जाएगा कैसे इनकी लाइफ साइकिल है। देखो ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, एवरीवन इज एबल टू सी? यस मैम। तो इसमें आप देखोगे ऊपर वाली जो लाइफ साइकिल है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये एस्को माइकोटा की लाइफ साइकिल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेंटर में आपका जो फंगस है, सेंटर में जो आपका फंगस है अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो कोनिडियोफोर बना के कोनिडिया बना देगा। तो यानी कि एस्कोमाइसिटीज की एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया वो बनाते हैं, स्पोर्स वो बनाते हैं और वो रिलीज कर देते हैं और जर्मिनेट करके वापस हाइफे बनता है।
ये तो एसेक्सुअल मोड है, ऊपर वाला पैराग्राफ, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको सर्कल। अब अगर नीचे आ जाओ, नीचे आ रहे हैं तो एक तरफ से दो फंगस दिख गई, एक तरफ ऊपर रेड वाली जिसका भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, नीचे एक ब्लू वाली भी है उसके जस्ट साइड में, ठीक है। तो एक रेड कलर का एक एस्कोगोनियम है और एक का एंथ्रीडियम है, ब्लू वाली का एंथ्रीडियम है, यानी कि ये मेल की तरह एक्ट कर रही है, एंथ्रीडियम वर्ड मेल के लिए, और जो रेड वाली है वो एस्कोगोनियम वाली जो फीमेल की तरह एक्ट कर रही है। अभी ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम फ्यूज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दी बोथ दीज थिंग्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ये समझा रही हूं मैं, दे आर एबल टू फ्यूज, क्लोज एसोसिएशन में होंगे, दे विल बी फ्यूजिंग एंड देन फ्यूज करने के बाद माइटोसिस एंड सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी डायकैरियोटिक फेज व्हिच विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प एंड एस्काई फॉर्म एट द टिप्स ऑफ दिस हाइफे, ठीक है। इनमें क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करके यहाँ पे देखो एक एस्कोकार्प बनाएंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये एस्कोकार्प बना लेंगे, ये पूरा डिप्लॉयड होगा, देख रहे हो आप एस्कोकार्प कैसा है, एक एक सेल में कितने कितने न्यूक्लियस है, एक एक सेल में दो दो न्यू, तो ये पूरा फंगस ने एक डायकारियो बना लिया, देखो यहाँ पर लिखा है डायकारियोटिक हाइफे बना लिया, कैसा हाइफे बना लिया, जिसके अंदर दो कैरियोन्स हैं, डायकारियोन मतलब टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे हाइफे को डायकारियोटिक हाइफे बोलते हैं, और ऐसी फंगल की स्टेज को डायकारियो फेज भी कहते हैं, एनसीईआरटी में लाइन है कि फंगल फंगस विल प्रोड्यूस अ डायकारियो फेज, दोनों में डायकारियो फेज बनता है, एस्कोमाइसिटीज में भी बनता है और एक बेसिडियोमाइसिटीज में भी बनता है, बट एस्कोमाइसिटीज का मेन चीज है कि डायकारियो फेज में जो हाइफे बनेगा वो उसका शेप कप जैसा होता है, वो एक बॉडी बनाती है एस्कोकार्प नाम की, और उसके अंदर जब वो मियोसिस करेगी देन इट विल प्रोड्यूस द डायकारियो फेज, थोड़ी देर के लिए तो डायकारियो फेज रहेगा बट उसके बाद उसमें उसके पूरे हाइफे में टिप्स पे कैरियोगैनी हो जाएगी, जो टिप वाला सेल होगा, जो टिप वाला सेल होगा उसमें कैरियोगैमी हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियस उसके फ्यूज हो जाएंगे एंड डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, इट विल फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, मतलब पहले डायकारियो फेज बनता है, दिस इज डायकारियो फेज, फर्स्ट स्टेप इज डायकारियो फेज फॉर्मेशन जिसमें एस्कस बनता है, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप इज उस डायकारियो फेज में कुछ देर बाद कैरियोगैमी हो जाती है, तो न्यूक्लियस अब एक पर्पल सिंगल न्यूक्लियस बन गया पर्पल शेप का, दिस इज जाइगोटिक न्यूक्लियस, इसमें जाइगोट बन गया है पर्पल। अब ये जाइगोटिक न्यूक्लियस क्या करेगा, इसमें मियोसिस होगी, जब एक न्यूक्लियस में मियोसिस होगी तो एस्कस विद फोर हैप्लोइड न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड, ठीक है। पहले तो फोर ही बनेंगे और फिर जब फोर के फिर माइटोसिस होगी तब वो फोर के कितने बन जाएंगे, एट, देन फोर विल अगेन डिवाइड एंड विल फॉर्म एट एस्कोस्पोर्स, एक उसके अंदर देर विल बी एट एस्कोस्पोर्स, एट हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फाइनली, ठीक है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल एस्कोमाइसिटीज फंगस में होती है, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज सीन इन एस्कोमाइसिटीज फंगस, सो इट इज क्लियर। तो जिस बच्चे को ये लाइफ साइकिल याद रह गई उसको तो सारे फीचर्स याद हो गए एस्कोमाइकोटा के, कि उसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में उसके कोनिडियो फोर पे कोनिडियाज बनेंगे, माइसीलियम किस तरीके का है, इसका फीचर्स क्या है, माइसीलियम किस तरीके का दिख रहा है आपको, सिंगल स्ट्रैंड नहीं है माइसीलियम का, मतलब सिंगल मल्टी सेलुलर माइसीलियम नहीं है कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही कह सकते हैं या हाइफे में।